गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बैठो सब लोग। शुभ प्रातः। अरे अरे, ये तो चड्डी बनियान में बैठा है। ए बंटी, ड्रेस कहाँ है तेरी? ड्रेस बंदर उठाए ले गए। क्या, बंदर उठा ले गए? झूठ बोल रहा है। अरे हाँ यार, बंदर उठाई ले गए। इतने तो बंदर हैं, छत पर ड्रेस सो कर ही रहा है, उठाई ले गए। जेह का हम नेकर बनियान में आई गए, वरना जो होना है पहन के होते, ऐसे ही आई जाते, फिर लोग तमाशा देखते। अरे तो तेरे पास दूसरी ड्रेस नहीं थी? एक ही पहन के आता है क्या? हाँ ना है, एक ही ड्रेस है, वह रोज पहन पहन के आउत है, उसे एक धोए धोए पहनना। इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है और तेरे पास एक ही ड्रेस है? 10,000 रुपए महीना फीस पड़ती है तेरी, और ड्रेस तेरी एक ही है, वही ढो ढो के पहनता है, गधा कहीं का। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, पापा हमारे पेट काट के हमें पढ़ा रहे हैं, कारखाना में काम करता है, 15,000 रुपया मिलाता है, 10,000 रुपया फीस दे दे। अब बताओ इतना पैसा कहाँ से लावें, जो बोरी भर कपड़ा खरीदें। अरे तो तेरा नेकर बनियान पहन के आना जरूरी था? पैंट शर्ट पहन के आता, नेकर बनियान पहन के चला आ रहा। सर जी, आपक पुर्जा ढीले हैं का? जब कह रहे हैं पापा पेट काट के हमें पढ़ा रहे हैं, तो कपड़ा कहाँ से लें? आपक ज्यादा मन चल लो है ना, तो चलो जारा के शोरूम में चलाओ, वहाँ कपड़ा दिवाई दो चल के। सर जी आ जाएं। इतनी देर में आ रहा है, कहाँ था सुअर कहीं का? दर्द हो रहा था, तभी देर लग गई। दर्द हो रहा था? कहाँ दर्द हो रहा था? अरे सर, पीछे दर्द हो रहा था। पीछे? पीछे कहाँ? पीछे पीछे पीठ में दर्द हो रहा था। रात में बेड के ऊपर लेट गए थे, बेड के ऊपर गद्दे पड़े नहीं थे, पिलाई पड़ी थी, पिलाई के ऊपर लेट गए, पीठ सीधी हो गई, बिल्कुल दर्द होने लगा। हटो यार। दर्द हो रहा था, एक ही कंटाप में तकदीर बदल जाएगी तेरी, चल बैठ। सही बताओ, देर कैसे हुई गई रहा है? अरे यार, आने का मन नहीं था, घर से मार खा के आ रहे हैं, मम्मी ने हवाई चप्पल चलाई है तब आए हैं। ए बंटी, कल जो काम दिया था करके लाया? सर जी का बताबे, छत पर बैठे काम कर रहे हैं, बंदर कापी लेके भाग गो, बताबो का करें। और बंदर ने कही, अगर हमारे पीछे आइयो तो हम तुम्हें अपनी दुल्हनिया बनाई ली। अब बताबो बंदर की दुल्हनिया कौन बनतो? क्या, बंदर की दुल्हनिया? बंदर कब से बोलने लगा? ना सर जी, आप बताबो, अगर आप होते तो का बंदर की दुल्हनिया बन जाते। चुप, कटे चुप। सर जी एक मिनट। हाय रे, इतनी बुरी हाइड्रोजन गैस छोड़ रहा। सर जी, मूली के पत्ते की बदबू आ रही। गरीब है, मूली के पत्ता खाते हैं। बंटी बाहर निकल, निकल जा मेरे क्लास से, निकल। एक है जाहिर है, बच्चा कैसा ना छोड़न दे। बच्चों, हम जरा बाहर खड़े हैं, तुम लोग पढ़ो बैठकर, ठीक है? अरे सर जी, बैठा नहीं जा रहा है, बहुत बुरी आ रही है। आप तो बाहर जा रहे हैं, हम लोग यहाँ सूंघ रहे बैठे। चुपचाप बैठ के सूंघो, सॉरी चुपचाप बैठे रहो, कोई बच्चा नहीं कह रहा है, तुझे आ रही है, चल पड़ा बैठ के, गड्ढा कहीं का। क्या बताएं सर जी, गैस छोड़ी जाती है मानते हैं, पर ऐसे गैस थोड़ी ना छोड़ी जाती है, जैसे ये बंटी छोड़ रहा है, हम भी छोड़ते हैं गैस, पर ऐसे थोड़ी ना क्या आदमी सूंघ के मरी जाए। क्या करें अब, रोक थोड़ी लेंगे उसे, बाहर खड़ा तो कर दिया है, इससे ज्यादा और क्या करें। चलो पढ़ो बैठ के, हम बाहर खड़े हैं। का बात सर जी, बाहर कैसे आएंगे, अंदर कोई दिक्कत परेशानी है का? ऐसा कंटाप मारेंगे तेरे, उछल के बाहर गिरेगा जाके, सुअर कहीं का। कितने दिन से टॉयलेट नहीं गया था? कल संडे है, तो संडे संडे 7 दिन हुई जाए। क्या 7 दिन? जानवर कहीं का, शर्म नहीं आती तुझे? 7-7 दिन जो कराए शर्म, वही के फूटे करम। तुम्हारी ऐसी की तैसी मारे बंटी, अभी तुझे जमाल घोटा खिलाते हैं। सर जी क्या है? सर जी चंटू मंटू बेहोश हो गए हैं, देखो चल के। बेहोश हो गए, देखें। देखो सर जी, जय पड़े, हाइड्रोजन गैस के शिकार हैं, बंटी की हाइड्रोजन गैस। कोई बात नहीं सर जी, थोड़ी देर में होश आई जही, एक बार तो हमारे पापा बेहोश हुई गए रहा है। बंटी तुझे हम बेहोश करते हैं, नाश पीटे। अरे सर जी छोड़ दो, नहीं तो और गैस छोड़ दी, नहीं मनियो जाओ ले आओ।